कसौली गोलीकांड में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उन अधिकारियों की सूची मांगी है जिनके कार्यकाल में कसौली में होटलों के अवैध निर्माण हुए हैं। इस फैसले का सोलन वासियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए सोलन वासियों ने कहा कि कसौली में एक महिला अधिकारी की अवैध निर्माण गिराते समय हत्या कर दी गई। इस घटना का आरोपी विजय जितना जिम्मेदार है उतना ही वे अधिकारी भी जिम्मेवार हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में इन होटलों का अवैध निर्माण करवाया था। उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन भवनों को आज अवैध बताया जा रहा है उन्हें विभाग द्वारा NOC जारी कैसे की गई, होटलों में बिजली पानी के कनेक्शन कैसे लगे, जिससे जाहिर होता है कि अधिकारी और होटल मालिकों में सांठगांठ है। उन्होंने कहा कि अगर ये अधिकारी उस समय अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते तो जो दिल दहला देने वाली घटना आज हुई है वे कभी नहीं घटती। उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि कसौली में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कसौली में अवैध निर्माण अभी भी जारी है और अधिकारी आज भी ना जाने क्यों आंखें मूंद कर बैठे हैं। कसौली कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद। इससे क्या है कि जो बाकी अधिकारी हैं वो भी जागरूक रहे। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है डे बाय डे शहरों में, क्या हर शहर में हो रही है, उसको समय पर रोका जाए ताकि आने वाले समय में कसौली में जैसे घटना हुई है अभी लेडी अफसर को एक कत्ल कर दिया गया है शरेआम, वैसे कत्ल ना हो। जो कसौली में मर्डर हुआ अगर ये TCP अधिकारी या कोई भी अधिकारी पहले मौके पर जाकर देखते कि ये अवैध बन रहा है, इसे ना बनने दिया जाए, या इसमें बिजली कैसे लगी, इसमें पानी कैसे लगा, या इसमें जो लोग ठहर रहे थे उनके भविष्य के साथ या उनकी जिंदगी के साथ भी वो खिलवाड़ किया जा रहा था। क्योंकि जहां पर 3 मंजिल अलाउड है वहां पर अगर आप 6 या 7 मंजिल बना दोगे तो वहां उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी जान पर भी बनाती है। मुझे तो नहीं लगता कि अभी भी गोलीकांड के बाद कोई अधिकारियों ने कोई ऐसी हमारे को कोई कार्रवाई ऐसी दिखी नहीं, कोई शहर में हो रही है कहीं कंस्ट्रक्शन पे कहीं हो उनका विजिट हुआ हो कि आपका कहां से नक्शा पास हुआ या उसका नक्शे की कॉपी दिखाई जाए या कोई ऐसा मीडिया से उन्होंने कुछ रूबरू किया हो, हमें कोई ऐसा नजर नहीं आता। लगता नहीं है कि प्रशासन अभी TCP का कोई भी जागा है। आज जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ है कि जो अवैध निर्माण हुए हैं पिछले सालों में तो वो जिन अधिकारियों ने उनको परमिशन दी है उनके बारे में जांच पड़ताल के लिए ऑर्डर किए गए हैं। और ये पहले गलत होता आया है कि भाई जब मैप जो है वो 2.5 मंजिल का, 3 मंजिल का या 4 मंजिल का पास हुआ है तो क्यों लोगों ने 6-6, 7-7 मंजिलें बनाई और वो कैसे बनाई, उस समय क्यों नहीं चेक किया गया कि भाई इसका जो मैप है वो 4 मंजिल का है और ये 7 मंजिल का बनाया है, तो ये सरासर गलत हुआ है। म्यूनिसिपल एक्ट की 211, 239 और 134 जो धाराएं हैं वो महज एक नगद परिषद उनको आम जनता को ब्लैकमेल करके सुविधा शुल्क लेकर उनको सुविधा दे रही है जिससे कि अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। और सोलन में जो अवैध निर्माण हुआ है उसमें नगद परिषद संपूर्ण रूप से जिम्मेवार है, नगद परिषद के पार्षद और नगद परिषद का जो स्टाफ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो संज्ञान लिया गया है कि अब उन कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी बदौलत यह अवैध निर्माण हुआ है, ये प्रशंसनीय है और आम जनता को बहुत राहत पहुंचाने के लिए है। आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी इन सुविधा शुल्क लेने वाले कर्मचारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी ताकि आम जनता को राहत मिले और सोलन क्या पूरा हिंदुस्तान हंसता खेलता रहे, मुस्कुराता रहे। गौरतलब है कि हिमाचल में हो रहे अवैध निर्माण के लिए जितने अधिकारी जिम्मेदार हैं उतने ही सरकारें भी जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके द्वारा पहले रिटेंशन पॉलिसी का लॉलीपॉप प्रदेशवासियों को दिया जिसके चलते लोगों ने अवैध निर्माण इस आस में करवाए कि उनके अवैध निर्माणों को वैध कर दिया जाएगा, जिसका होटल व्यवसायी समेत बिल्डरों ने जमकर अवैध निर्माण किया लेकिन बाद में रिटेंशन पॉलिसी नहीं आई और अवैध निर्माण सीना ताने खड़े रहे लेकिन उन पर विभाग या सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की जिसकी वजह से कसौली जैसी घटना हुई है। अगर समय रहते प्रदेश सरकार व विभाग निर्णय नहीं लेगा तो वे दिन दूर नहीं जब कसौली जैसी घटना दोबारा घट सकती है।